चलिए हम लोग आज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स मीन्स होता है आयु। मैट्रिक्स जो है हम फर्स्ट पार्ट बनाए थे जिसमें थोड़ा सा हम बताया था कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स माने कौन मैट्रिक्स होगा जो मल्टीप्लाई किया जाएगा, कौन मैट्रिक्स जो होगा नहीं मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो माना कि हम स्टार्टिंग कर दिए थे वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, कुछ नहीं बताए थे ये आयु के हमको कैसे गुना करेंगे। बट हम आज सीखेंगे हम लोग कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाएगा। हम लोग यह भी बताएंगे, बच्चे पूछा था कि सर उसने बताइए रो और कॉलम किसे कहते हैं, मतलब कि पंक्तियाँ और स्तंभ किसे कहा जाता है, हमको पहचानने में दिक्कत हो जा रहा है। देखिए सबसे आसान हो जाता है पंक्ति और रो पहचानने के लिए, तो हम आज सीखेंगे पंक्ति और रो किसे कहेंगे और उसके बारे में हम कैसे जुड़ेंगे, कौन आयु जुड़ जाएगा, कौन आयु नहीं जुड़ सकता है, कौन घटाया जा सकता है, कौन आयु नहीं घट सकता है, कौन मैट्रिक्स घटेगा, कौन जुड़ेगा, तो हम आज चर्चा करेंगे उसी को। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास जो होता है, पहले तो आपको आयु किसी प्रकार का हो सकता है, वह आयताकार हो सकता है, आयताकार मतलब कि रिटेंगुलर हो जाएगा, वह वर्गाकार होगा, वह वर्गाकार मतलब कि स्क्वायर टाइप होगा, मतलब कि आयु दो ही प्रकार का हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है नहीं तो आयताकार होता है, रिटेंगुलर नहीं हो सकता है, रिटेंगुलर सर्कुलर आकार के ही नहीं हो सकता है। तो यह दिमाग में रखना है कि वो वृत्ताकार नहीं हो सकता है, सर्कुलर नहीं हो सकता है, यह दिमाग में आपको रखना जरूरी है। यह केवल दो प्रकार का हो सकता है, आयताकार और वर्गाकार, मतलब कि वो रिटेंगुलर हो सकता है और नहीं तो का स्क्वायर हो सकता है। तो दिमाग में बात ये रखना है। अब देखिए वर्गाकार जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें रो और पंक्तियाँ के दोनों संख्या सेम हो जाता था। अब रो देखिए पहले समझ लेना कि रो किसे कहते हैं। तो देखिए रो जो होता है जिसे हम लोग रो बोलेंगे तो यह पंक्ति बोलते हैं, जिसे हम लोग पंक्ति में खड़ा होते हैं ना, पंक्ति पंक्ति में खड़ा होते हैं, जैसे हम करियर में जो जाते हैं प्रार्थना करते हैं तो उसमें पंक्ति होता है, मतलब पंक्ति को हम लोग बोल सकते हैं। और जो बच्चे का दिमाग में नहीं जा रहा है पंक्तियाँ किसे कहेंगे, पंक्ति किसे कहेंगे, तो एकदम उसको एक अक्ष उसको समझ लेना है, वह एक अक्ष जो है वह उसका पंक्ति है, एक अक्ष जो है उसका पंक्ति है, यह दिमाग में रख लेना है। और जो स्तंभ जो कलम जिसको बोलेंगे हम लोग, स्तंभ जो है आपका कलम, उसको यह समझ लेना है कि वह का तो वाई अक्ष जो है उसका या अक्षेस, तो उसको यह समझ लेना है कि वह क्या हो जाएगा, यह आपका स्तंभ हो जाएगा, मतलब कलम हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है जिससे कि हम एक कोऑर्डिनेट बना दे रहे हैं जो आसानी से समझ आ जाएगा आपका, ये कोऑर्डिनेट बना दिए तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह स्तंभ हो जाएगा मतलब कलम हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा पंक्ति, जो हम लोग को रू बोलते हैं। तो आयु पर समझ गए रो और पंक्ति को आसानी से। देखे पहले अब मान लीजिए रो और कलम हम बात करते हैं, किसको पहले हम लोग डिग्नोट करते हैं, तो पहले आप ही बताइए किसको लिखा जाता है, पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है कि पहले वाई एक्सिस को लिखा जाता है। तो पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट अगर देखा जाता है तो एक्स और वाई लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक अगर देखा जाता है तो एक्स वाई, तो उसी हिसाब को दिमाग में बैठ लेना चाहिए कि पहले आपको क्या आना चाहिए, पंक्ति आएगा मतलब एक्स आएगा तब वाई आएगा। आगे बहुत आसान हो गया आपको दिमाग बढ़ गया कि पहले जो एक्स आता है जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, जब कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ते हैं तो उसमें एक्स का मान आता है पहले और उसके बाद वाई के मान आता है। उसी तरह जब आपका पंक्ति के पहले मान आएगा, मतलब रो के पहले मान आएगा, उसके बाद कलम के मान आएगा, तो आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा, अगर दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि आप जिस जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़ने को मिला, 9th क्लास में पढ़ने को मिला और 10th क्लास में पढ़ने को मिला, और अब आ रहे हैं 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिला होगा और 12th क्लास में पढ़ने, मतलब कि आप मतलब कंटिन्यूस में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आप इसमें भूल नहीं पाइएगा। आइए आपको दिमाग में, एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं पंक्ति, आप वाई अक्ष को बोलते हैं स्तंभ, जिसको हम कलम बोलेंगे, आ इसको बोलेंगे रो। तो आप समझ गए कि इसको रो कलम। पहले अगर आप बताइए कि पहले निर्देशांक ज्यामिति में जब कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ते हैं तब पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट का मान आता है, उसी तरह आपको पंक्ति के पहले मान आएगा और उसके बाद कलम के मान आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ये बहुत आसान है। तो हम आगे आते हैं कि मान लो कि आयताकार होगा, वर्गाकार होगा, पहले कौन आएगा, तब समझ गए होंगे कौन आएगा। जैसे कि हम दे रहे हैं, देखिए हम बता दें कि अगर मान लें कि आयु जो आएगा, मैट्रिक्स जो होगा वह आयताकार होगा नहीं तो वर्गाकार होगा। अब देखिए हम दो आयु ले रहे हैं, अगर मान लें कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखिए पहले क्या लेंगे बताइए, पहले हम लेंगे एक्स के मान, तो एक्स के मान यहाँ पर देखिए क्या, एक्स की ओर जाइए तो 2 एक्स और 3 वाई,
तो ये आपका इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर या कबायु का कोटी बोलेंगे, कोटी बोलते हैं है ना, इसको ऑर्डर बोलते हैं। ये आपका यू का ऑर्डर हुआ, यह आपका यह रेक्टेंगुलर हो जाएगा, मतलब कि आयताकार हो जाएगा, यह आपका आयताकार हो जाएगा। अगर वर्गाकार जो हो जाएगा तो 2, 3, 5, 6, तो इसमें जो देखिए इसमें जो है आपका पंक्ति आपका कितना होगा, पंक्ति आपका 2 हो गया, स्तंभ कितना हो गया आपका, तो x और यहाँ पर एक x का मान होगा 2 और y के मान होगा 2, मतलब कि 2 into 2, मतलब x और into y जो लिखते थे, तो आपका यह तो यह y को रहती नहीं है, यह ऑर्डर पेयर को रिनोट करने को बताया गया, इंटू हम जो बोल दिया कोई अथी नहीं है, यह ऑर्डर रिनोट करने को बताया गया, इंटू के नहीं है कि आप इंटू लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हम मिलेंगे फिर न्यू कंसेप्ट लेकर न्यू वीडियो में, तब तक ये जय हिंद।